नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं पब्लिक की सीधी बातचीत के पब्लिक का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? आनंद। सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? डिप्लोमा IT होल्डर। सर डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? अप्रोक्स 20। सर कैसा एनवायरनमेंट आपको लगता है डेरा सच्चा सौदा? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है मैम यहाँ पे। सर आपकी फैमिली भी आती है? सिस्टर आपकी सब आते हैं। सर बहनों को लेकर लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है आश्रम में? बहुत अच्छा मैम, उनके लिए अलग से यहाँ पे रहने का प्रबंध है और यहाँ पे सब कुछ उनका अलग रखा जाता है। भाई यहाँ पे देख रेख के लिए अलग रहते हैं, सब ध्यान देते हैं। सर जो इतना कुछ दिखाया जा रहा था, लड़कियों को सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके बारे में आपका क्या कहना सर? नहीं मैम, जो दिखाया गया है सब गलत है। यहाँ पे साई बैठी बसेर है, उन लड़कियाँ वो लड़कियाँ खुद यहाँ पे आई हैं, खुद उन्होंने यहाँ ही रहने का फैसला किया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं है, सब दिखाया जो गलत है। 20 साल से आ रहा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। गुरु जी का नेचर कैसा है सर? गुरु जी का नेचर एक संत का जैसे, संत होते हैं लोगों को बुराइयों के बारे में बताना, उनसे दूर करना, अच्छे कामों के बारे में बताना। सर गुरुजी किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं? एक संत की तरह, जिस तरह संत होता है, एक पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चों को समझाता है। सर उनका उनके ऊपर जो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सब आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? मैम वो सब आरोप बिल्कुल गलत हैं, मीडिया वाले सिर्फ पैसों के लिए जो दिखाया है सब पैसों के लिए दिखाया गया है। जैसे आजकल आपको बताइए किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सब बताया गया है, सब मोदी के सारे पता है। सर 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है अब 3-4 साल? प्रभाव ये पड़ा मैम समाज पे, एक तो नशे की तरफ जवान बहुत बढ़ गए, नशे और एक बुराइयाँ बहुत बढ़ गई। जरूरत है सर समाज को? हाँ बहुत जरूरत है समाज को, संत को। सर समाज के लोगों को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि वो जितना कुछ देखा उन्होंने मीडिया के द्वारा देखा, आप 20 सालों से जुड़े हो और अब वेल एजुकेटेड हो, क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लोगों? मीडिया का तो सभी जान चुके हैं कि अभी जो भी दिखा रहे हैं ये गलत दिखाते हैं, ठीक है ना, तो समाज को पता ही है जो दिखाया गया है सब गलत है आज तक। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हाँ भाई जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब गलत है, हमारे संत को जल्दी जल्दी रिहा किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार पब्लिक आपके सामने आकर बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में दिखा है, फिर आखिर क्यों डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया, वहाँ जाने वाले लोगों के बारे में इस तरीके से दिखाया गया? ये लगातार समाज से सवाल कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं संत जी की वापस आने की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।